इक्वालिटी न्यूज का लॉन्च है आज, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? इक्वालिटी ग्रेट वर्ड है ना, और फिल्म भी इक्वालिटी की है जी, जॉनर ऑफ इक्वालिटी। देखिए फिल्मों में अलग अलग प्रकार के जॉनर है जी, कोई एक्शन बोलता है, कोई रोमांस रोमांटिक बोलता है जी, कोई कॉमेडी जी। अभी तक आपने कॉमेडी की जी, आगे भी करेंगे, लेकिन अब देखो ये जो जॉनर है जी, आपका जॉनर बन जाएगा जॉनर ऑफ इक्वालिटी। क्या बात है सर, दिस इज ए जॉनर ऑफ इक्वालिटी। रमेश जी का थॉट और विजन जो है वो बहुत कमाल का है, आई हैव बीन वॉचिंग एंड लिसनिंग टू हिम सिंस द प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर मैं सैल्यूट करता हूँ, थैंक यू, थैंक यू, नो डाउट अबाउट इट, मतलब नॉट अ फिल्मी थिंग। सर ये आपको कैसे थॉट आया था कंगना को आपने कास्ट किया, क्योंकि कास्टिंग में आई थिंक आप बहुत ही परफेक्ट हैं। मेरे लिए अगर आप 9 महीना रुक सकते हैं तो 9 महीना एक ऐसा वक्त होता है कि 9 महीने में एक बेबी हो जाता है, तो आप अगर 9 महीना मेरे लिए रुक सकते हैं तो ये कैसे थॉट है, दिगंगना की कास्टिंग कैसी है? मेरा तो मैंने बता दिया। देखिए ये हमने इनके जो इसके पहले के परफॉर्मेंसेस थे, मतलब टेलीविजन पे जी, जो इन्होंने काम किया है वो मैंने देखा है, इनके फीचर्स नॉट द बॉडी फीचर्स, बट एक एक्टर में क्या होना चाहिए जी, एक एक्सप्रेशंस को कैरी करने वाला एक्टर होना चाहिए जैसे आप जी, करते हो जी, तो इनका मैंने देखा जी, और जब हम शूटिंग कर रहे थे ना, जब मैंने इनको बहुत बार बोला भी है ये जी, कि ये किरदार जो निभा रही है ना जी, ये किरदार इनकी पर्सनालिटी में फिट है जी, हाँ मतलब चाहे कोई भी सीक्वेंस हो उसको डिट्टो कैरेक्टर के अंदर में घुस करके उसको परफॉर्म करना, ये इनकी खासियत है ये मेरे को लगता है जी, बिल्कुल। जहाँ तक कि हमने प्रोमो देखा, मैं तो इनको जब से आया हूँ मैं तब से बोले जा रहा हूँ कि इनका जो आपने लुक दिया है फिल्म में, जो रॉनेस है वो रॉनेस इन पे इतनी सूट कर रही है, वो अगर हर लड़की पे नहीं सूट करती, तो आपकी चॉइस आई थिंक इज द परफेक्ट। या बिल्कुल बिल्कुल, बीइंग एन आईएएस ऑफिसर है ना, आर यू स्ट्रिक्ट ऑन सेट्स? सी एट टाइम्स आई एम स्ट्रिक्ट, बट एट टाइम्स आई मीन बाय एंड लार्ज आई एम केयरिंग, केयरिंग या दैट्स ट्रू, आर्टिस्टों के साथ उनको बता, आप इनसे पूछिए आप रेकी के में हाँ, क्योंकि मेरी चालू होने वाली ना, मैं समझ रही हूँ, मैं पहले ही पता लगा लूँ कि रमेश जी कैसे रमेश जी ऐसा ऐसे डांटते तो नहीं है, नहीं नहीं, ही इज वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग। इनफैक्ट सबसे ज्यादा एक होता है ना, एक नेचर होता है, लीडरशिप क्वालिटी है ऑफ कोर्स, बट ही हैज दैट थिंग कि मुझे सबके साथ, दिस टीम इज लाइक माय फैमिली एंड सब हैप्पी हैं, आप ओके हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई इशू है तो मुझे प्लीज डायरेक्टली बताइए, ही इज जेन्युइनली कंसर्नड। नहीं वो आई थिंक वो बोलते हैं ना, वो इमोशनल टच, वो क्या बोलते हैं, केयरिंग तो है, मुझे पता चलता है, जैसे मैं रमेश जी से आज मिला फर्स्ट टाइम, तो जब मैं हाथ मिला के इन्होंने मुझे बिठाया, ही स्पोक अबाउट मी, ही वाज मुझे बता रहे थे स्टेज पर गए, तो ही इज वेरी केयरिंग सर, जेनरली आज तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात कर, थैंक यू सर, थैंक यू। और फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, डेफिनेटली एक एक फ्रेम में आप बैठ के देखते होंगे, तो जब एक एक फ्रेम के बारे में जब डायरेक्टर सोचता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती हैं, बिकॉज आपने इतनी कड़ी मेहनत की, तो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज पहले तो लोग पूछते हैं जी, जी पहले तो ये ऐसा है कि फिल्म का रिलीज 5000 थिएटर्स में होगा, थिएटर्स एंड मल्टीप्लेक्सेस नंबर वन, फैंटास्टिक, एंड पैन इंडिया पैन वर्ल्ड जी, इस तरह का इसका रिलीज होगा, तो रिस्पॉन्स कैसा होगा आप समझ सकते हैं, वंडरफुल वंडरफुल। बाकी फिर आपको शो में मुलाकात करेंगे खत्म होने, अरे आप तो हमारे साथ ही रहेंगे मेरे ही शो में, वहाँ पे कपिल शो में, और फिर कपिल अलग टेक होगा एक, और कपिल शर्मा जी को, कपिल शर्मा जी को हमारा नमस्ते कहिएगा, जरूर जरूर है ना, आपकी क्या कमाल की टीम है आपकी, हमारी टीम भी सर कपिल जी, आप That's so true. मतलब बहुत कमाल है, मतलब नंबर वन शो है, मतलब मैं तो दिल से बोल रहा हूँ, नंबर वन शो है, दिल से नंबर वन है एक्चुअली, तो और आप इसका हिस्सा हो गए अभी, तो हमारा कैसे होगा, हमारा जलवा कैसे होगा, हम समझ सकते हैं, हम लोग तो पूरा जलवा करेंगे एक्चुअली, पूरा एपिसोड ऐसे ही प्लान करेंगे, और घोड़े वोड़े
भी प्लास्टिक के नहीं, पर मुझे एक बात बताइए, स्टेज के ऊपर ओरिजिनल इस बार आप चेयर पे बैठे होंगे ना? हाँ, मैं तो ऐसे गेस्ट दो तीन चार, मैं और सनी गए थे एक्चुअली, मैं अपने ही शो में चार बार ऐसे गेस्ट जा चुका हूँ क्योंकि एकता कपूर का मैंने वो फिल्म की थी क्या कूल है हम, उसका थर्ड पार्ट किया था, उसमें भी मैं गेस्ट गया। फिर तुषार के साथ मैंने वो बू सीरीज की थी, उसमें भी मैं गेस्ट गया था। फिर सनी और मैंने गाना किया था एक, तो सनी और मैं ऐसे गेस्ट ही गए थे। तो अब मुझे मज़ा आएगा। मैंने कपिल को हमेशा मुझे बोलता रहता है कि तू यार अपने ही शो में बार बार तू कितनी फिल्में करता है, कभी तेरा ये आ जाता है, कभी तेरा वो आ जाता है। तो अब अपनी फिल्म की न्यूज़ ऑलरेडी जा चुकी है, तो मेरे ख्याल से हमें अभी चले जाना चाहिए। एक छोटा टीज़र वहाँ भी लॉन्च करते थे और उसके बाद फिल्म के लिए भी चले जाएंगे। जरूर सर, है ना, प्लान करते हैं। सॉरी मैम, मैंने इनसे माइक वो आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू। हाँ जी सर, कि हम अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। जी मुझे पता चला और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको उसके लिए। हम तो चाहेंगे कि आप मतलब हमारी ड्रीम्स का हिस्सा हो। थैंक यू सर फॉर ए लॉन्गर रिलेशनशिप। थैंक यू सर, थैंक यू, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और ये देखिए हमारा जॉनर इक्वालिटी का है। एक एक को कुछ ऐसे प्लान करिएगा कि मैं दिगांगना, हम नहीं उनको तो लाना ही है। आई स्वेयर लाना। हां जी, हम चाहते हैं कि फर्स्ट लाइनर जो है ना इनमें ये जाए, ये चले जाएंगे। जैसे आपका जब मेन प्रोमो लॉन्च होगा ना, ये तो अभी टीजर लॉन्च किया है, तो ये सूतली बम है, छोटा सूतली बम। अब जब मेन बम फटेगा, जब पूरी हमारी पिक्चर कंप्लीट होगी, उसके बाद जब थिएट्रिकल ट्रेलर देखेंगे हम, जो 2.5 मिनट का होता है, राइट, तब आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि तब हम एक एक फ्रेम देखेंगे और हम लोगों की मेहनत जो है फिर हमारी देगी। और हम सबसे ज्यादा जो सर का विजन है, रमेश जी का विजन है, इनका थॉट है, और मैं इन्हीं की मेहनत कहूंगा बिकॉज इन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा किया है। एंड नाउ दिस फिल्म, नॉट बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ इट एंड आई एम योर एक्टर, बट आई वुड लाइक टू से कि जब इसका जो टीजर भी आपने दिखाया, इट्स नॉट लेसर देन अ संजय लीला बंसाली फिल्म। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नॉट लेसर, ही इज एब्सोल्युटली राइट। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि कोई डेयर नहीं करेगा इस तरीके की फिल्म शुरू ही करने के लिए। आई एग्री, नोबडी कैन डेयर, ना किसी के पास इतनी पावर है, ना किसी के पास विजन की भी पावर है। एक तो सबसे पहले विजन की पावर होती है, मनी की पावर तो बाद में आती है, करेक्ट बोल रहा हूँ सर? करेक्ट करेक्ट। तो विजन की पावर नहीं है कि लोग बोलेंगे नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है यार, ये संजय लीला बंसाली कर सकता है, हम नहीं कर सकते, यही थॉट जाएगा किसी और का। बट आई थिंक वो आपका थॉट गया है, सो हैट्स ऑफ टू दैट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हैट्स ऑफ टू रमेश जी। और मैंने इनका काम छीन लिया, मेरे परमानेंट रख लिया है। इक्वालिटी न्यूज़ के दर्शन, इक्वालिटी न्यूज़, हां कि अब जो है कृष्णा बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हैं, तो मैं ये भी शो करता हूं। मैं इनको बता दूं कि मैं पर एपिसोड 25 लाख रुपए लेता हूं। सब तैयारी करके रखिए, तैयारी करके, ऐसा हैवी ड्यूटी एंकर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस फिर से दिगांगना, आप न्यू विशेस कुछ देना चाहेंगे? आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल इस की मुहिम, लाइक वी जस्ट अभी तक सिर्फ बातें हुई हैं द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की, लाइक कृष्णा सेड, हम सारे ही वेट कर रहे हैं, सर की मेहनत है, हम सबकी मेहनत है। ये म्यूचुअल जोक पता नहीं कब खत्म होगा, बट देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, बिल्कुल, एंड खुश रहिए, और कोई बैड न्यूज मत दीजिए। और रमेश थिएटर फिल्म्स को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत OTT प्लेटफॉर्म, रमेश जी का OTT प्लेटफॉर्म भी आ रहा है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करना एंड उसकी प्रिपरेशन करना, उतना कंटेंट बनाना, उतनी चीज़ें कोऑर्डिनेट करना। मेरे पास 25 कॉल आ जाते हैं, मुझे लगता है मैं कितनी बिजी हूँ, इनके पास 2,500 कॉल आते हैं और ये मस्ती में बता देते हैं, आज मेरे पास 2,500 कॉल आए थे और मैं सोच रही थी आपने सारे उठाए, सो ही एक्चुअली डिड 2,500 पीपल व्हेन हमारी जो फिल्म है अभी तो हमारी होगी, इतना क्राउड है ये वो, तो कैसे मैनेज करते थे आप? देखिए 600 डांसर्स बेसिकली क्या, देखिए मैं एज एन IAS ऑफिसर, हमने नौकरी की है जी, IAS ऑफिसर डायरेक्टर ही होता है। हाँ सही बात है। और हमको ये 10,000 और 15,000 20,000 लोगों को मैनेज करना होता है,
इससे भी बड़े पेड़ को मैनेज करना होता है, वो तो हमने किया ही है, वो तो हमारा काम ही था, वो जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ। That's a fact. आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ये शो का समाप्त करना चाहूँगा। नहीं बोलिए बोलिए। नहीं नहीं मैम है, सॉरी मैंने इनसे माइक ले लिया, मैं आगे कर। मुझे बड़ी खुशी है कि आज कृष्णा ने हमारे पूरे एपिसोड संभाल लिया है, और इस पूरे एपिसोड में जैसा आप देख रहे हैं द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की जो पूरी स्टार कास्ट है, हमारे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर यहाँ पर है, सो हम लोगों की भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं और सबके लिए शुभ। थैंक यू सो मच।